जिला महिला अस्पताल और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज सहित 6 अस्पतालों में लिया गया संक्रमण के उपचार का जायजा। कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने को हुई मॉक ड्रिल के दौरान जिला महिला अस्पताल में टेम्परेचर स्कैनर फेल हो गया। स्कैनर के टेम्परेचर न बता पाने पर जेडी हेल्थ डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि बैटरी वीक होने के कारण ऐसा हुआ। शासन के निर्देश पर आज जिला महिला अस्पताल और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज सहित जनपद की 6 स्वास्थ्य इकाइयों पर मॉक ड्रिल कर कोरोना वायरस संक्रमण से उपचार का जायजा लिया गया। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि आज जिला महिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना, भोपा और सिसोली तथा फलौदा में मॉक ड्रिल किया गया। वहीं आज मरीजों के लिए 1218 बेड रिजर्व किए गए। जनपद में संक्रमण की किसी भी संभावना से निपटने और कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को उपचार देने के लिए विभिन्न अस्पतालों में 1218 बेड रिजर्व किए गए। मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस को भी अलर्ट कर दिया गया। 33 एम्बुलेंस अलर्ट की गई हैं, जबकि विभिन्न अस्पतालों में 45 वेंटिलेटर व 983 ऑक्सीजन सिलेंडर और 707 ऑक्सीजन कंटेनर रेडी किए गए हैं। आशीष गोयल, जनवानी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि जो संभावित लहरें हैं जो अभी आई नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए शासन स्तर से ये पूरे प्रदेश में इंतजाम किया गया है कि आज के दिन हम पूरी तैयारियों का विवरण ले लें और देख लें कि सब प्रकार की जितनी भी हमारी जो तैयारियां हैं, यानी प्रिपेयर्डनेस जो है वो है कि नहीं। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर एज ए जेडी यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा है। जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और यहाँ पर जो SNCU है, इसमें हमने देखा है कि तैयारी इनकी पूरी है और जो जो कमियाँ हमने पाई हैं, थोड़ी बहुत जो भी हैं वो बता दी गई हैं, वो सही कर ली जाएंगी। मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी है यहाँ पर। सर, तैयारियाँ पूरी बता रहे हैं आप, लेकिन जो प्रथम जाँच है स्कैनर की, वही यहाँ पर ख़राब मिला है। कैसी तैयारी आपने देखी? नहीं, वो थोड़ा सा ख़राब नहीं मिला हुआ, उसमें जो बैटरी थी वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो रही है, उसको बदलवा दिया है। कितने यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, कितनी व्यवस्था, कितने बेड जी, कितने वेंटिलेटर है, कितने बेड है, कितने 40 बेड हैं हमारे यहाँ, जो ऑक्सीजन सप्लाइड है, ICU भी है, वेंटिलेटर भी हैं और पूरा जितने भी जो ड्रग्स हैं वो पूरी कंप्लीट हैं। दोनों जो PSA प्लांट है वो वर्किंग स्टेज में है, सब कुछ देख लिया गया है और किसी भी जो आने वाली जो बत्ती है, अगर वो संभावित है, अगर आई तो उसका पूरी तरह से यहाँ पर इंतजाम है। और पिछली बार ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई थी, इस बार क्या व्यवस्था है? नहीं, इस बार मैं समझता हूँ और मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस बार ऑक्सीजन का यहाँ तक सवाल है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और अगर कोई इस तरह की परेशानी होती है तो उसको देखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई के यहाँ तक मद्देनजर बात है। कितने प्लांट है पूरे मुजफ्फरनगर में, बात करें तो मुजफ्फरनगर? नहीं, इस वक्त यहाँ पर मैंने 2 देखे हैं। डॉक्टर साहब, पिछली बार प्राइवेट अस्पतालों में लूट की कई सूचनाएं आई थी, इस बार इस तरह की घटना ना हो, क्या इंतजाम है? नहीं, लूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता इस बार, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कुछ मात्रा में हमारे यहाँ पर, और अभी जो पिछला जो वेरियंट था कोविड का, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी उस पर ना के बराबर थी। इस बार का भी जो संभावित जो स्ट्रेन आया है, इसकी भी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इसकी नौबत आएगी। लेकिन तब भी उसके बावजूद भी पूरी तरह से हम तैयार हैं, किसी भी जो आपातकालीन स्थिति आती है तो हम निपटेंगे। सर, किस तरह से अपील करना चाहेंगे इस समय जनता से, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है? मैं देखिए, यहाँ पर तो मरीज बहुत कम है, मैं सब जितने भी यहाँ की मुजफ्फरनगर की जनता है और सभी जो आम नागरिक हैं, उनसे ये कहूँगा कि बहुत जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क लगा कर निकलें। मास्क लगाएंगे तो बचे रहेंगे, ज़्यादा भीड़ वाले स्थान पर ना जाएं, और अगर जाना ही पड़ जाए तो फिर मास्क लगा के जाना उचित रहता है।